नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। खबर दो टूक देख रहे हैं आप, और सबसे पहले बड़ी खबर बहराइच से है। 17 साल बाद फर्जी चरस मामले का खुलासा हुआ है। युवक को जेल भेजने वाले पुलिस वाले निकले दोषी। सीबीसीआईडी ने दाखिल की है चार्जशीट। थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज है। आरोपियों की याचिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। FIR निरस्त कराने के लिए दाखिल की गई थी याचिका। थाना नवाबगंज में साल 2003 में तैनात तत्कालीन थानाध्यक्ष परशुराम दोहरे ने 14 जून 2003 को 1 किलो चरस बरामदगी दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर सरफराज नाम के एक युवक को जेल भेजा था। और इस मामले में तत्कालीन विवेचक नाथ यादव ने आरोपी सरफराज के विरुद्ध न्यायालय पर आरोप पत्र दाखिल किया था। सरफराज के पिता इजहार अहमद द्वारा शासन में दिए गए प्रार्थना पत्र में कही गई बात को सही पाया गया। थाना नवाबगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी परशुराम दोहरे ने सरफराज को फर्जी जेल में भेजा था। उनका बेटा नवाबगंज कस्बे में सरफराज होटल चलाता था, जहां से उसे फर्जी तरीके से उठाकर NDPS के मामले में जेल भेज दिया गया। साथ ही जेल भेजने से पहले आरोपी पर पुलिस वालों ने थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर थाने में बर्बरतापूर्ण बर्ताव करने का भी आरोप लगाया है। तो 17 साल बाद एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। फर्जी चरस मामले में युवक को जेल भेजने वाले पुलिस कर्मी दोषी पाए गए हैं। CBCID ने चार्जशीट दाखिल की। थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज है। आरोपियों की याचिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। FIR निरस्त कराने के लिए दाखिल की गई थी यह याचिका। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मामला ये 2003 का है, जब थाना नवाबगंज में तैनात तत्कालीन थाना अध्यक्ष परशुराम दोहरे ने 14 जून को 1 किलो चरस बरामद दिखाते हुए मुकदमा दर्ज किया था और एक सरफराज नाम के युवक को जेल भेजा था। राजीव शर्मा इस वक्त बहराइच से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है 17 साल बाद फर्जी चरस मामले में। जिस युवक को जेल भेजा जिन पुलिसकर्मी ने, यही पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। राजीव, आवाज मिल रही है आपको? मैं स्काइप पे जुड़ हुआ हूं। शायद राजीव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, रुक करेंगे राजीव का वापस से। 17 साल बाद ये बड़ा खुलासा हो रहा है फर्जी चरस मामले में। बहराइच का पूरा मामला है 2003 का, जब सरफराज नाम के एक शख्स को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया था 1 किलो चरस बरामद के मामले में। और इस मामले में तत्कालीन विवेचक नाथ यादव ने आरोपी सरफराज के खिलाफ न्यायालय पर आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद सरफराज के पिता इजहार अहमद द्वारा शासन में दिए गए प्रार्थना पत्र में कही बात को सही पाया कि थाना नवाबगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी परशुराम दोहरे ने फर्जी जेल भेजा था सरफराज को। राजीव, एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, ये 2003 का मामला है, अब बड़ा खुलासा हो रहा है कि जिन पुलिस वालों ने सरफराज को जेल भेजा वही दोषी हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा चौंकाने वाला मामला निकलकर सामने आया है। ये बहराइच जिले के नवाबगंज थाने का यह मामला है और 17 साल के बाद इसमें चार्जशीट दाखिल हुई है और इसमें इस बात को CBCID ने चार्जशीट दाखिल करते हुए इसमें इस बात को साबित किया है कि तत्कालीन जो थानाध्यक्ष रहे हैं परशुराम दोहरे सहित 6 पुलिस वालों ने मिलकर के साजिश के तहत एक सरफराज नाम के युवक को जेल भेजा था और NDPS के मामले में उसके ऊपर 1 किलो चरस दिखाकर उसको जेल भेजा था। इसके साथ साथ उसमें थाने परिसर में उसके साथ में उसको निर्वस्त कर उसकी परेड कराई गई। ठीक है राजीव, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। तो 6 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज है। आरोपियों की याचिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। इस मामले को लेकर और भी जानकारी सामने आ रही है, सुनिए। जो चार्जशीट यहाँ भेजी है परशुराम दोहरे और उनके जितने भी साथी हैं सबके खिलाफ, वो चार्जशीट की जांच तारीख जिसके उसमें मैं आया हूँ। हमारे लड़के को 2003 में दुकान से उठा के ले गए और फर्जी दिखा दिया इन्होंने वहाँ कि चरस इनके सामने इनके पास से बरामद हुई, जिसके वजह से वो 13 महीने जेल में रहा है। 13 महीने के बाद जब छूटा है
तो मैंने उसके CBCRD की जांच करवाई शासन से, कह के हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, हम उसको न्याय दिलाया जाए।